Hello guys, hit the subscribe button and press the bell icon to get notification of the latest video. UPSC Combined Defence Service CDS first requirement online form 2019. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित, आप देख रहे हैं आई एफ चॉइस। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जिस कैंडिडेट्स की चाहत होती है फोर्स में, फोर्स को ज्वाइन करने की, वो कैसे न कैसे पा ही लेता है। बस ज़रूरत है कुछ नॉलेज की और समय समय पर कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहने चाहिए। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि ट्वेल्थ के बाद यदि किसी की एज निकल जाती है तो बीएससी करता है, एंड इसके बाद ये एक फॉर्म होता है सीडीएस, जिसे भरने के बाद आप तीनों सेनाओं में से किसी एक में ऑफिसर पद पर नियुक्त कर दिए जाओगे। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं क्या है ये। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ कम्बाइंड डिफेंस सर्विस फर्स्ट एग्जामिनेशन 2019। दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू द फॉलोइंग फॉर्म एंड कम्प्लीट द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन CDS फर्स्ट कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। एंड कम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम 2019 ये आप देख सकते हैं। एंड इसके बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो ये जनरल OBC वालों को चालान के रूप में 200 रुपये का चालान भरना पड़ता है, एंड हमेशा की तरह SC ST फीमेल को नेल पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू द चालान और नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फ्री मोड, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। ठीक है, एप्लीकेशन बिगिन आज से चालू है, आप भर सकते हैं जो 26/11/2018 को शाम 6 बजे तक चलेगा ये। ठीक है, एंड लास्ट पेमेंट की जो है वो उसी है 26/11 को। एग्ज़ाम डेट है वो 3/2/2019 यानी फरवरी के महीने में 3 तारीख को 2019 में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड एडमिट कार्ड जो है वो जनवरी के महीने में आ जाएंगे, इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर मार्च में कर दिया जाएगा। ये सारी बातें पहले ही बताई है। इसमें टोटल पोस्ट 417 हैं। एंड चलिए सबसे पहले एज लिमिट को जान लेते हैं। तो मेरे ख्याल से तीनों में एज लिमिट जो होती है वो सेम होती है, जैसे कि देख सकते हैं। हाँ यार, सेम ही है, तीनों में एज लिमिट सेम होती है। यानी कि आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना चाहते हैं IMA में, तो इसमें 100 पोस्ट हैं। एज 2/1/1996 to 1/1/2001। तो इसके बीच में आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, प्रत्येक के लिए अलग अलग दी गई इसमें, तो आपको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। यदि आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं, इसमें 100 पोस्ट हैं, तो आपके लिए क्या पास या अपीयरिंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड यदि आप नेवी में जाना चाहते हैं तो इसमें 45 पोस्ट होंगे, एज वही होगी लेकिन इसमें पास्ड या अपीयरिंग बैचलर डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपने किसी भी बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की हो, इंजीनियरिंग में एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने की हो। यदि आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो इसमें सबसे कम पोस्ट 32 पोस्ट हैं, एज लिमिट आपकी वही है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन फिजिक्स मैथमेटिक्स इन 10+2 लेवल और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, इसमें भी आपको बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में चाहिए ही चाहिए। एक और आता है आपका ऑफिसर ट्रेनिंग गया, ऑफिसर ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में आपको 225 पोस्ट मिलती है। आपके सामने ये रही, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा, आपको 225 पोस्ट मिलती है, एज आपकी वही है। इसमें क्या पास्ड अपीयरिंग बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी,
यानी आपको इसके लिए कुछ नहीं, और इसमें वुमेन के लिए भी करीब करीब 15 पोस्ट दी गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यही तो, यानी कि करीबन आप बीएससी करने के बाद या बैचलर डिग्री करने के बाद किसी से भी, बैचलर ऑफ साइंस या किसी भी, आप बैचलर डिग्री की उसके बाद भी आप डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बताना था मुझे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और किसी को आप इस वीडियो के बारे में बताना चाहते हैं या इस फॉर्म के बारे में बताना चाहते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। टेक केयर।